तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स की हमारी ये पहली क्लास है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड्स के आर्किटेक्चर को समझते हैं कि डैशबोर्ड होता क्या है। बेसिकली डैशबोर्ड का मतलब ये मैं भी ऑल्टर कर दूं। जी हाँ जी हाँ, डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आप अपनी रिपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक विंडो पे पाए। और उसमें भी दो डैशबोर्ड दो तरह के होते हैं, दो नहीं तीन तरह के हो सकते हैं। एक डैशबोर्ड होता है, एक ऑटो डैशबोर्ड होता है, एक डायनेमिक डैशबोर्ड होता है। Okay. अब तीन डैशबोर्ड्स के बारे में समझते क्या है। हम सिर्फ डैशबोर्ड के बारे में बात करें, डैशबोर्ड मतलब हुआ कि आपको डेटा आया, आपने डैशबोर्ड बना दिया। अब क्वेश्चन समझते हैं कि डैशबोर्ड किस तरह के डैशबोर्ड। देखिए ऐसे तो एग्जांपल बहुत है, लेकिन आपका सिंपल ये रहेगा कि आप गूगल पे जाएं एंड डैशबोर्ड सर्च करें और फिर इसकी इमेज में आ जाए। डैशबोर्ड ये होता है। अब जैसे कि एक एक डैशबोर्ड को समझें तो पता चलेगा कि वो डैशबोर्ड समझना जरूरी है। जैसे इसी डैशबोर्ड को समझिए, ये पूरा का पूरा एक आईटी डेस्क हेल्प डेस्क का रिपोर्ट है, पूरा का पूरा आपके सामने दिख रहा है सर जी। तो पूरी रिपोर्ट जो है आपके नज़र के सामने, पूरी इन्फॉर्मेशन नज़र के सामने है। तो डैशबोर्ड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए इसमें तो ग्राफ्स लगाए जाते हैं ताकि हम ईजिली समझ सकें। आप जैसे यहाँ ही पे देखिए कस्टमर रेट, यहाँ पे तो 68% भी जो सैम्पल बना हुआ है, जो इमोजी बना हुआ है जी, तो इससे पता चलता है, इसमें बताना जरूरी है कि जो 68% है वो अच्छा गया, कस्टमर हैप्पी है, बताने की जरूरत है सर? वो इमोजी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ 68% हमारा अच्छा वो कस्टमर है, हुआ है काम, कस्टमर रेट है। तो इसी तरह के जो चीज़ें होती है कि आप आपकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह के इमेजेस के द्वारा, इस तरह के ग्राफिक्स की मदद से आपको एक्सप्लेन की जाती है और हमें बस एक नज़र मारते ही समझ में आ जाती है। दैट कॉल्ड डैशबोर्ड। तो इसका नाम डैशबोर्ड क्यों पड़ा? क्योंकि जनरली डैशबोर्ड गाड़ी का डैशबोर्ड होता है क्या जी, जी जी ट्रेन का डैशबोर्ड कहा जाता है। तो डैशबोर्ड का मतलब हुआ कि कंट्रोल, कि एवरीथिंग कंट्रोल। आप कार में बैठे हुए हैं, अगर आपको डिक्की खोलना है तो बीच में तो ही जाना है, आपके पास उसका है, उसकी कंट्रोल आपके सामने है, आप डिक्की खोल देंगे जी, क्या? बिल्कुल। तो एवरीथिंग कंट्रोल ड्राइवर के पास है, और ड्राइवर के पास कहाँ है? तो डैशबोर्ड पे सारे इंडिकेशन। पेट्रोल खत्म हो रहा है, जरूर थोड़े जाके गाड़ी इसमें पेट्रोल की टंकी खोल के नापेगा, जैसे पहले ट्रैक्टर में हुआ करता था। हाँ जी, तो सब चीज़ जो है सामने डैशबोर्ड से। अब डैशबोर्ड के प्रकार जानते हैं। नॉर्मल डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कह लीजिए इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वन टाइम बनाना होता है उसको। आपने डेटा लिया, उस पर मैनुअली आपने बना दिया, नेक्स्ट टाइम अगर बनाना है तो वापस नेक्स्ट टाइम डेटा लेंगे और वापस फिर से बनाएंगे। तो मैनुअल डैशबोर्ड हुआ कि हर टाइम प्रिपेयर होगा। ओके, समझ गए। अब बात करते हैं ऑटो डैशबोर्ड की। तो ऑटो डैशबोर्ड फॉर्मूला या वीवीए की मदद से बनता है, तो कोई भी हो सकता है। उसे मतलब ये हुआ कि डैशबोर्ड का फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया, डेटा से लिंक हो गया हमारा। एक बार हम डेटा को अपडेट करेंगे, मेरा डैशबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे आपने जनवरी महीने का डैशबोर्ड बना लिया, तो अगर हम पहले वाले नॉर्मल डैशबोर्ड की बात करें तो आपको 12 महीने हर महीने डैशबोर्ड मैनुअली बनाना पड़ेगा जी। दूसरा हुआ कि आपने एक डैशबोर्ड का फॉर्मेट तैयार कर दिया, फॉर्मूले और कोडिंग जो जिसकी मदद से, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि आप जो है उसमें डाल दीजिए, डेटा डाल दीजिए। फॉर्मूला है तो ऑटोमेटिक है, तो मैक्रो है तो उस पर डबल क्लिक करके रन कर दीजिए मैक्रोज को, वो आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बना देगा। तीसरा होता है डायनेमिक डैशबोर्ड। अब देखिए पहले बार में क्या है कि आपको जो है हर महीने का अलग अलग बनाना है, दूसरे में क्या है कि आपको हर महीने का डेटा डालना है, बन जाएगा जी। तीसरा डायनेमिक का मतलब हुआ कि आप सालों भर का डेटा डाल दीजिए, आप मन चेंज कीजिए, आपका डेटा, आपका रिपोर्ट्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, समझे जी। मतलब पूरा, जैसे पूरे साल का मैंने डेटा डाल दिया जिस मंथ का मुझे पर्टिकुलर। डायनेमिक डैशबोर्ड के मतलब ये हुआ कि आपका पहले पहले, जैसे यहाँ पे देखिए रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, तो जैसे ये रिपोर्ट मान लीजिए सॉफ्टवेयर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आपका मूड चेंज हुआ कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर वाइज नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कस्टमर वाइज,
तो रिमोट बन चुका है, तो आपको उससे आपको यहाँ पे तो है ही नहीं, ऐसी सुविधा है ही नहीं कि आप बनाए हटाए जी चार्ट, दोबारा से पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा ना सर। लेकिन बिल्कुल डायनेमिक डैशबोर्ड में क्या होगा कि यहाँ पे दो चेकबॉक्स हो जाएंगे या फिर दो रेडियो बटन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा तो चार्ट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और ये इधर कस्टमर सेलेक्ट करेगा तो पूरा चार्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग। दैट कॉल्ड डायनेमिक रिपोर्ट, जिसकी जिससे जो आप डायनेमिक चार्ट आपने देखा था ना कि आपने जो मंथ सेलेक्ट किया, जो जोन डे मंथ डेट सेलेक्ट किया, उसी का रिपोर्ट आ गया। जी 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 जी, दैट कॉल्ड डायनेमिक डैशबोर्ड। तो तीनों डैशबोर्ड हम आपको वन बाई वन सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि डैशबोर्ड बनाने के लिए चाहिए क्या, राइट जी, क्या जानना पड़ेगा? डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको एक्सेल की नॉलेज में कि एक्सेल में क्या क्या जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सेल की बात करें, फिलहाल हम वीवीए को छोड़ देते हैं, राइट जी। एक्सेल में हमें चाहिए फॉर्मूला, ओके, चाहिए चार्ट्स, एरे, चार्ट्स एंड एरे, पिवट, स्लाइसर, ओके, ये चाहिए आपको। यहाँ पे पावर क्वेरी भी चलेगा, ये पावर क्वेरी, ये चार पांच चीजें जो है आपको पहले से जानना जरूरी है। ओके, तो हम इसी को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में कि पावर पे इसमें डैशबोर्ड पे यूज होने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं। चलिए इसको आप जिक्र करते हैं, फिर अगली क्लास हम चार्ट्स के बारे में जानेंगे। नहीं, चार्ट्स को एक काम करते हैं, बाद में रख देते हैं, एरे को पहले कर देते हैं, क्योंकि एरे रिलेटेड टू फॉर्मूला समझ में जल्दी आएगा। तो आज हम फॉर्मूला और एरे फॉर्मूला को समझेंगे, और कल हम चार्ट्स मतलब नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट्स को समझेंगे। ठीक है सर, अरे ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा देन हम करीब 5-7 जो है डैशबोर्ड्स बनाएंगे। ओके, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना वीवीए वाला पार्ट, वीवीए को सीखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम बनाएंगे वीवीए से रिलेटेड 5-10 चार्ट्स, मतलब टोटल जो है 15-20 चार्ट्स, 15-20 रिपोर्ट्स हम कवर करेंगे आपकी इस क्लास में ऑटोमेशन एग्जाम्पल। ओके सर, तो फॉर्मूले में चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम जानेंगे इफ फॉर्मूला, इस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जी। अब इसमें फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में आपको समझा देता हूँ, हो सके कुछ नई चीज़ मिल जाए, हो सके कि वही चीज़ हो जो आपने जानते हो, ठीक है जी जी सर। इफ फॉर्मूला, इफ से पहले जानिए लॉजिकल ऑपरेटर जो कि ज़रूरत है। लॉजिकल ऑपरेटर जो आपके पास होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, greater than equal to, less than equal to and not equal। ऐसे इसलिए बताए क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे पता करना है कि greater than 50 कौन से है, तो जस्ट इस पर लिखेंगे greater than 50, रिजल्ट आपके सामने है, बट ट्रू एंड फॉल्स। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो ये जो कंडीशन जो लगाते हैं पार्ट ऑफ द इफ है, जी नहीं, हम इफ में इसमें कंबाइन करते हैं। इफ का कहना है कि भाई इसमें हम ट्रू या फॉल्स डालें, अगर ट्रू हुआ तो हम पहली वैल्यू देंगे, फॉल्स हुआ तो हम दूसरी वैल्यू देंगे, समझे जी। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, दो कॉलम में ना लगा के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देते हैं कि इफ सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ऊपर हुआ तो 500, अदरवाइज 100, आ गया जी। यही नहीं, हम इसमें कैलकुलेशन करना हो, जैसे कि मुझे टैक्स निकालना है, कमीशन निकालना है कि भाई फॉर 20 रुपीज़ पर पीस होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, और ये आपका जो लेस देन 50 है उसको हम लोग 500 पर पीस देते हैं, तो 5 रुपीज़। इस तरह के हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पिवट के अंदर। ओके, इफ फॉर्मूला, ओके जी। अब बात आती है मल्टीपल कंडीशंस की, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 50 to 80 मान लीजिए, 50 to 82 हो तो यहाँ पे 800 का इंसेंटिव देना है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है, कंडीशन रिक्वायर है, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, एंड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, और वापस इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब इस ट्रू फॉल्स को आपको कन्वर्ट करना है अपने रिजल्ट में, तो लगा लीजिए इफ एंड को इसके अंदर में डाल दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 800 800 कॉमन जी। ओके,
इस तरह के मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन ये मान लीजिए यहाँ पे डे है, तो यहाँ पे मैंने सैटरडे डाल दिया, सैटरडे संडे डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे वीक डे ऑन और ऑफ देना है, तो मान लीजिए हमारा वीक डे मंडे टू फ्राइडे है और वीकेंड हमारा सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे में ऑफ आए और मंडे टू फ्राइडे में ऑन आए, ओपन दिखे, ओपन एंड क्लोज। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, तो यहाँ एंड नहीं लगा सकते क्योंकि एक सेल में दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कोई एक ही हो सकता है, या सैटरडे या संडे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू किया सैटरडे कॉमा, इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू किया संडे, एंटर प्रेस किया, ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट आ गया। ये ट्रू एंड फॉल्स को ओपन क्लोज में कन्वर्ट करने के लिए हम इफ का कॉमा लगाएंगे, इफ, और यहां पे करते हैं ओपन एंड क्लोज। अच्छा जी, अगर सैटरडे है या संडे है तो हम ओपन नहीं कर क्लोज, लेकिन मुझे अगर मान लीजिए स्लैब हुआ तो, जैसे एग्जांपल कि यहां पे मैं चाहता हूं स्लैब, जैसे कि 0 टू 40 है तो 500 देना चाहता हूं, 41 टू 80 है तो यहाँ पे 1000 देना चाहता हूँ, 81 टू 100 है तो यहाँ पे 1500 देना चाहता हूँ, और ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे 5000 देना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, इफ दिस इज द ग्रेटर, सॉरी लेस देन करना होगा, लेस देन इक्वल टू 40 तो यहाँ पे 500 है। अगेन इफ लगाऊंगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू आपका 80 है तो यहाँ पे 1000 होगा, देन इफ, इस तरह से वन बाई वन हम इफ लगाते चले जाएंगे, नेस्टेड इफ, नेस्टेड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1500 अदरवाइज 5000। तो इस तरह से नेस्टेड इफ लगाएंगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा जी। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो यहाँ पर हम IFS लगाते हैं, इफ्स। ये किस लिए IFS? ये आपके नेस्टेड इफ के लिए है, देखिए ना, आपने सिलेक्ट किया, अच्छा। कंडीशन दिया, कंडीशन दिया कि ये लेस लॉजिकल टेस्ट हुआ, अगर लेस देन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 है तो आना चाहिए 500। तो यहाँ पे बार बार आपको इफ देने की जरूरत नहीं, जस्ट लॉजिकल टेस्ट दीजिए, लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 100, ये लेटेस्ट एक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है जी जी, समझ गया मैं। हाँ, बार बार, हाँ, कंडीशन बस इसमें सिर्फ लॉजिकल टेस्ट दे रही है। ओके जी, बार बार हमने इफ नहीं यूज किया जी जी। ओके, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, इसी में एक फॉर्मूला और आता है जो होता है आपका स्विच का। स्विच में जैसे कि यहाँ हमने ये फॉर्मूला और लगाया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम है, अब मुझे मान लीजिए 4-5 ऐसे नेम हैं इसमें जो कि हमारा इन हाउस है, अदरवाइज वेंडर है, तो यहाँ पे स्विच का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये पूजा है, ठीक है, अगर ये पूजा है तो यहाँ आना चाहिए आपका इन हाउस। सो अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ये इक्वल टू रवि है आना चाहिए इन हाउस। इस तरह से यहाँ पे हमने स्विच, ये यहाँ पे हमने स्विच जब फंक्शन स्टार्ट किया, G2 इज इक्वल टू पूजा नहीं लिखा हमने, इज इक्वल टू होना चाहिए ना? नहीं नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें।
इस यह चेक कर, यहाँ एग्जैक्ट मैच करता है, वैल्यू पूजा तो इन हाउस शो करेगा, वैल्यू रवि तो इन हाउस शो करेगा, वैल्यू ओम तो इन हाउस शो करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में हमने यहाँ पे दे दिया। नहीं यहाँ जी टू हिंदी, यहाँ बार बार जी टू नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, गलत दे दिया हमने यहाँ पे, ये नहीं चाहिए हाँ, मैं वही पूछ रहा था आपसे, इक्वल टू इक्वल, और ये अच्छा ठीक है एंटरप्राइज, अदरवाइज हमने जी टू अगर पूजा रवि और ओम हो तो इन हाउस, हाँ यहाँ पे हम कर दिया वेंडर, ठीक है जी। तो ये तो हमारा इफ की तरह ही काम किया है इसने, मतलब हाँ इफ ही स्विच ही है ना, इफ ही है एग्जैक्ट चेक करता है इस बार, बार बार लॉजिकल टेस्ट लगाना इफ लगाने की जरूरत नहीं है, और मैं लिखते चले जाएंगे ओके। इसी तरह में आपके पास अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्वार्टर कर देता हूँ मैं, क्वार्टर 1 2 3 4 इस तरह नंबर में है, तो मैं चाहता हूँ 1 की जगह पे जैना, 2 के जगह पे हमारा जो होता है जू मैया, क्या तो हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ चाहता हूँ, फर्स्ट मंथ जी, तो यहाँ पे चूज कर दीजिए इक्वल चूज। इसमें आपको जो सीक्वेंस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर पहली वैल्यू आई तो यहाँ पे जैन शो होगा, जैन दूसरी आई तो यहाँ पे अप्रैल शो होगा, अप्रैल मई जून, और तीसरी होगा तो जुलाई शो होगा, जुलाई नहीं तो अक्टूबर शो होगा, अक्टूबर ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सीक्वेंस में कि अगर यहाँ यहाँ जे टू पे 1 होगा तो पहला शो करेगा, जे टू पे 2 हुआ तो अप्रैल शो होगा, 3 होगा तो ये शो होगा, इसे सीक्वेंसली शो करता है। बट इसमें हमने जैसे जे टू में हमारा ये शो कर रहा है कि 1 दे रख है, अब जैसे हमने इसका क्वार्टर चेंज किया कि एक मिनट हाँ, इसमें जे टू हमारा जैन आ गया, बट ये अप्रैल जुलाई और अक्टूबर इसमें हमने ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि 2 होए तो अप्रैल, 3 होए तो, मैं यही तो समझा रहा हूँ ना कि सीक्वेंस चलता है, यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर है, अगर इंडेक्स नंबर 1 हुआ तो पहला शो करेगा, इंडेक्स नंबर 2 हुआ तो दूसरा शो करेगा, पहला दूसरा पोजिशन के हिसाब से चलता है, यहाँ पे इंडेक्स 3 हुआ तो यहाँ पे, इसे तो इनपुट जो है सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या 1 5 7 10 15 ऐसे कर ले, नहीं सीक्वेंस होना चाहिए। अच्छा इसमें बस सीक्वेंस फॉलो करेगा हमारा, जी 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 ओके क्लियर है जी। अब एक चीज और करते हैं, कुछ सीरियल नंबर के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डैशबोर्ड्स के अंदर। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे मेरा नेम है, तो मैं चाहता हूँ 1 लिखा, यहाँ पे दिया पूजा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ओम तो ऑटोमेटिक यहाँ सीरियल आ जाना चाहिए okay। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल इफ सामने वाली वैल्यू एन थ्री जो है अगर ऑल ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों किया, क्योंकि एक्सेल के अंदर में ब्लैंक सेल इट मीन 0, तो अगर इसमें okay। कुछ टाइप है इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा हुआ तो क्या हो यहाँ पे ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, एक ऐड हो गया। अब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह का ब्लैंक दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे ओम लिख दिया आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि जैसे एक कलम छोड़ के लिख लोगे यहाँ पे हमने लिख दिया इन द एरर, आ गया एरर क्यों आया इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो यहाँ आपका एम फोर है वो क्या है ब्लैंक, लेकिन ब्लैंक नॉर्मल ब्लैंक नहीं, ब्लैंक है ब्लैंक है, वो इन्वर्टेड कॉमा का ब्लैंक, इन्वर्टेड कॉमा का ब्लैंक है इसका मतलब कि वो टेक्स्ट है, इसे प्लस नहीं कर सकता, तो यहाँ हमें कुछ और सोचना होगा। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया कि प्लस ना करके मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया, मैक्स में बोला एम टू से एम टू, और पहले वाले एम टू जो थे उसको फ्रीज कर दूंगा जो फिक्स हो जाएगा हमारा, और नीचे कर एम टू से एम टू प्लस 1 ठीक है। आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, हुआ क्या कि ये जो हमने फ्रीज कर दिया तो जब नीचे M2 से M2 है तो पहला स्टार्टिंग पार्ट जो है फिक्स हो गया, बट एंडिंग फिक्स नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे M2 से M3,
M2 से M4, जी मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है वो उसी के ऊपर की वैल्यू में सम कर रहा है, समझ गया? एक मिनट, यहाँ ये तो समझ आ गया कि अगर वो जीरो हो गया और इसमें फिर कंडीशन लगा रहे हैं कि मैक्सिमम उसमें से एक वैल्यू लेगा, जी मैक्सिमम प्लस एक कर देगा उसमें। हाँ मैक्सिमम मतलब कि यहाँ तक जो इससे ऊपर तक जो भी नंबर्स है, लास्ट नंबर तो मैक्स निकलेगा ना, जी जी उसमें जी, प्लस जी, वन कर दे। ओके ओके ओके, जो भी लास्ट नंबर है उसमें एक प्लस कर, और लास्ट नंबर हमारा मैक्सिमम से पता लगेगा उसमें एक प्लस कर देगा, ठीक है। अब उसी तरह से सीरियल नंबर अगर बात करें कि हम सीरियल नंबर बनाना चाहते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जैसे मैं चाहता हूँ 10 तक बने, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ इसमें प्लस वन, अगर वो ग्रेटर देन 10 से है तो ब्लैंक कर दे, नहीं तो ऊपर में प्लस वन कर दे, समझ गया जी? कि P4 प्लस वन इज ग्रेटर देन Q2 तो यहाँ ब्लैंक करे, अदरवाइज उसमें प्लस वन करे और Q2 को फ्रीज कर दीजिए। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो इसमें इस जैसे यहाँ एरर आया था ऐसे एरर आएगा यहाँ पे, रीजन है क्योंकि ब्लैंक प्लस वन नहीं कर सकता वो, तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ एरर यहाँ कर देंगे ब्लैंक, हो गया। मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा, okay. अगर मैं यहाँ 15 करूँ तो 15 तक बनेगा, 20 करूं तो 20 तक बनेगा, अगर मैं 5 करूं तो 5 तक बनेगा, 5 अगर मैं यहाँ पे 5 से 10 करूं तो ये तो यहाँ पे आपका जो मिनिमल 1 है उसके जगह पे इस 5 को लिंक कर दीजिए तो 5 से 10 बनेगा। अच्छा, इसका यूज़ हम डैशबोर्ड में करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए एक पीरियड का कि 20 तारीख से 30 तारीख तक का, तो 20 से 30 का सीक्वेंस जनरेट करेगा या सामने से रिपोर्ट आ जाएगा, जी 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 समझ गए, समझ गए, आगे बढ़े जी। तो यहाँ पे लॉजिकल ख़त्म हुआ हमारा कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में टैक्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, मुझे काउंट करना है, देखना है कितना डिजिट का है, इसके लिए हमारे पास लेन का फॉर्मूला है, हाँ जी लेन फॉर्मूला से हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितना डिजिट का है। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सुजीत कुमार सिंह, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि कितने वर्ड का है, कैसे पता चलेगा, लेंथ से, या फिर मान लीजिए कि नहीं कितने वर्ड, नॉट अ कैरेक्टर, ओके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ कोड डले हुए हैं, मुझे पता करना है कि इसमें कितने कोड है, मान ली कंपनी कोड है कितने कंपनी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फार्मूला। सब्स्टिट्यूट फार्मूला में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं स्पेस को ब्लैंक कर देता हूँ, तो कि डिलीट कर देता हूँ, तो ये हम उल्टा लगा दिए माफ कीजिएगा, यहाँ सब यहाँ पे आए हम ये स्पेस को ब्लैंक कर देते हैं, सारे स्पेस हट गए जी। इसमें इसी तरह से यहाँ हम अगेन सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, कॉमा को फिर गलत कर रहा हूँ मैं, वो सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, कॉमा को हम ब्लैंक कर देते हैं, फिर हम यहाँ लेन का फॉर्मा लगाते हैं कि लेन जब कॉमा था तो कितना है, अगेन लेन जब कॉमा ख़त्म हो गया तो कितना था, और फिर कितने कॉमा है, और जितने कॉमा रिजल्ट आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे। अब प्लस वन हमने क्यों किया ये बताइए सर, क्योंकि इसने इसको काउंट किया इसको काउंट किया, तो कॉमा जो है ये जो स्पेस स्पेस के बाद भी तो एक करेक्टर है तो फाइनल है, स्पेस के बाद एक तो होगा, हाँ जी इसलिए हमने प्लस वन कर दिया। अभी हमने अलग अलग लगाया है इसको एक साथ कंबाइन कर लें, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड आता है आपको सर? एक मुझे एक बार ये
सब्स्टिट्यूट कर मुझे एक बार दोबारा, ये क्या सिर्फ हमारा ये ब्लैंक को सब्स्टिट्यूट हटाने के फॉर्मूला लिए? क्या करता है कि किसी भी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस को किसी अनदर कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस से रिप्लेस करता है। अच्छा तो इसमें हमने बोला कि B3 में जाओ, कॉमा को ब्लैंक करो, तो उसने कॉमा को डिलीट कर दिया। अब हम ब्लैंक की जगह पे मान लीजिए देते ओके कॉमा को ओके, डैश कर दो, इसके बीच में डैश कर देते, सारा कॉमा डैश हो जाता तो सारे वो डैश में कन्वर्ट। अच्छा मतलब ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सेल में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, किसी पर्टिकुलर करेक्टर वर्ड सेंटेंस तीनों ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि करेक्टर ही हो। ओके अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि IP यहाँ पे कि कुमार एट द रेट IPTIndia.com, मुझे इन तीनों ये दोनों को अलग करना है, मुझे कुमार को अलग करना है, IPTIndia को अलग करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले फाइंड का, फाइंड में देंगे एट द रेट और फिर हम सेलेक्ट करेंगे इसको एंड कॉमा वन। ये क्या करेगा, 6 दे दिया, मतलब कि ये जो एट द रेट है उसका पोजीशन दे दिया 6, सिक्स पोजीशन है। देन मैं लेफ्ट का फॉर्मा लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और हम बोलेंगे कि इसमें से एक करेक्टर अलग कर, मैं कम कर लो, मतलब कि लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से 6 - 1 5 लेटर ले लेगा तो कुमार हो जाएगा। फिर हम IBTIndia.com के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट का इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे करें कंप्लीट लेंथ, जो इसकी लेंथ है लेंथ फॉर्मूला माइनस फाइन का रिजल्ट आ गया सर जी। इसकी अब ये फॉर्मूला हमने बाहर लगाया आपको समझने के लिए, आप इसके साथ लगा दीजिएगा ठीक है, जैसे यहाँ पे CH की जगह पे CH का फॉर्मूला लगा लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो अलग लगाइए। अच्छा फीस फॉर्मूले को कॉपी, हाँ जी हाँ जी हाँ, कन्फ्यूजन हो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और इसके जगह पे पेस्ट कर दीजिए सीएल की जगह। ओके ओके अलग अलग मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, तो इसको कंबाइन करूँगा तो दिक्कत जी 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 समझ गया। ओके विदाउट इसमें एक बार सर इसको दोबारा बता दीजिए, ये एट द रेट हमारा सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है। फाइन फॉर्मूला बता, फाइन फॉर्मूला किसी भी करेक्टर वर्ड को सर्च करता है उस सेल के अंदर और वो कितने नंबर करेक्टर पे वो रिटर्न करता है, तो एट द रेट को उसने बताया कि 6 नंबर पोजीशन पे है, इससे पहले 5 करेक्टर है। और लेफ्ट फॉर्मूला किसी भी सेल से जितना नंबर डालेंगे उतना नंबर करेक्टर को अलग कर लेता है। ओके तो हमने बोला कि जो फाइन का रिजल्ट उससे कम अलग करो, क्योंकि फाइन का रिजल्ट एट द रेट का पोजिशन बताता है, एट द रेट छोड़ के बाकी सब, बाकी उससे पहले का सब ले रहा है, okay. तो मैंने सुन कर दिया ठीक है समझ। लास्ट के लिए हमने क्या बोला कि भाई इसकी पहले लेंथ निकालो कि टोटल लेंथ कितना है एट द रेट तक, के से लेके एम तक कितना है, और उसमें से तुम घटा दो एट द रेट तक का पोजिशन के से लेके एट द रेट, जो बचेगा वो IPTIndia बचेगा राइट एट द रेट तक। जी 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 ओके गॉट इट। इसी तरह से आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी अलग कर सकते हैं ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं डेट की कैटेगरी पे। सबसे पहले जानिए एक्सेल में डेट कैसे लिखें, टाइप करेंगे डेट टाइप करने से पहले आप सिस्टम डेट देखेंगे आपका सिस्टम डेट क्या है। मेरा सिस्टम डेट है 8/10/2020 10 तारीख है, अगस्त 10th अगस्त है, मतलब महीना पहले है, मंथ फर्स्ट है, देन डेट है, देन आपका ईयर है, इसका मतलब आपका डेट MMDDYY है। तो मुझे आज का डेट डालना है तो 8/10 डालूंगा, डेट एंटी कर देगा, मैंने ईयर नहीं डाला। अगर आप कोई प्रीवियस मंथ का ईयर डालेंगे, प्रीवियस ईयर का ईयर डालेंगे, डेट डालेंगे, तो आपको यहाँ ईयर डालना पड़ेगा या फ्यूचर का ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर डेट मैं आपको भेजूँ, अगर आपका सिस्टम MMDDYY है तो ठीक है, बट आपका सिस्टम DDMMYY है तो ये हो जाएगा आपका 8 जो है डेट बन जाएगा और 10 जो है मंथ बन जाएगा, तो हो जाएगा 8, वहाँ दिक्कत है कि हाँ जी 8 अक्टूबर अक्टूबर हो जाएगा वो, हाँ जी। तो इससे बचने के लिए क्या करें, अगर ऐसा बोल लगे आपको तो आप इसको इस डेट को डेट फॉर्मूले के अंदर में डाल दें, डेट यहाँ पे ईयर डाले 2021, मंथ डाले 8 और डे डाल दें 10,
अब डेट किसी भी डेट फॉर्मेट पे जाएगा तो सेम डेट दिखाएगा, ये अलग अलग डेट नहीं दिखाएगा। ओके ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अगर कभी ऐसा दिक्कत हुआ तो आप जो है डेट में, ये डेट के अंदर सिस्टम डेट लाने के लिए टुडे फॉर्मूला होता है, और सिस्टम डेट एंड टाइम भी नाम होता है, पता ही होगा। लेकिन इसमें मुझे 20 दिन ऐड करने हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम जस्ट इसमें प्लस कर प्लस कर देंगे हम तो। अगर मुझे इसमें 3 महीना जोड़ना है तो क्या करेंगे सर? ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। जी हाँ, ई डेट का फॉर्मूला, घटाना है तो वो माइनस माइनस 3 कर देंगे, जितना भी हो रहा है माइनस 3 कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने अपने डेट में 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड करना, तब क्या होगा? तो इस 2 साल 4 महीने 22 दिन तो तब ई डेट, हाँ जी ई डेट नहीं लगेगा, समझे ना, जो दिन है इसमें हम डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। डेट फॉर्मूला में हम इसमें से इस डेट में से ईयर को अलग करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 2। ओके फिर यहाँ मंथ का फॉर्मूला अलग करेंगे और इस डेट में हम मंथ कर देंगे प्लस 4, और फिर हम इसमें से डे का फॉर्मूला अलग करेंगे, इसमें कर देंगे प्लस 22। ओके डेट आ गया, ठीक है जी। किसी डेट का अगर एंड ऑफ द मंथ मुझे इसी डेट का लास्ट डेट चाहिए तो क्या करेंगे हम? ईओ मंथ। अब फर्स्ट डेट आया तो फर्स्ट डेट कोई फर्स्ट डेट का फॉर्मूला नहीं होता, इसी में माइनस होता है, समझे ना, जो आप सोच रहे थे एफ डेट हो ऐसा कोई नहीं है, समझ गया? अच्छा अच्छा, इसमें माइनस 1 करेंगे तो लास्ट मंथ का फर्स्ट डेट दिखाएगा, लास्ट डेट दिखाएगा। अब ईओ मंथ फॉर्मूले में माइनस नहीं है तो लास्ट डेट ईओ मंथ के फॉर्मूले में अगर आप माइनस 1 करेंगे तो प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट दिखाएगा। अब प्रीवियस मंथ के लास्ट डेट में प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट डेट आ गया। करंट मंथ का फर्स्ट डेट, करंट मंथ का, हां जी फर्स्ट डेट आ गया। किसका यूज़ कर सकते? कभी कभी ये प्रॉब्लम और भी होती है, जैसे हमने जैन लिख दिया, ये ज़्यादातर आपके डैशबोर्ड में होता है कि आपने यहाँ पे मंथ लिख दिया इन द टेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट डेट और लास्ट डेट चाहिए तो क्या करेंगे सर? तो हमें क्या होगा, इसको कंबाइन करना होगा, 1- इसको सेलेक्ट करेंगे एन % यहाँ पे 2021 लिखेंगे, डेट आया बट टेक्स्ट में आया जी, तो कुछ नहीं करना, इसको ब्रैकेट में रख के इसमें प्लस 0 कर दीजिए या फिर डिवाइड बाई 1 कर दीजिए इन नंबर, या फिर इसको डेट फार्मूला एक होता है और भी होता है डेट वैल्यू का फार्मूला होता है उसमें डाल दीजिए, ये डेट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर यहाँ पे आप ई को मंथ लगाइए और इसमें 0 कर दीजिए इस महीने का लास्ट, ठीक है क्लियर है जी। अब दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है मुझे, लेकिन दो डेट के बीच से डिफरेंस निकालना है, जैसे कि एक एक जनवरी कर दिया 2020 और आज का डेट दे दिया, तो इसमें जस्ट इसको माइनस कर दीजिए लास्ट डेट ए। इसमें डेज 360 का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किया, साल को 365 नहीं 360 दिन देता है, 60 दिन दे रहा है। अगर मुझे इसके बीच से मंथ चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मंथ कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 30 करेंगे तो गलत रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेट डिफरेंस का फॉर्मूला, याद होगा डेटेडिफ लोग उसको बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ, पता है फॉर्मूला जी जी, वो आपने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने देखा था, हाँ एम कर दिया तो ये आपका हो गया महीना, वाई कर देंगे ईयर, डी कर देंगे डी, वाई तो ए, और इसमें वाई एम कर देंगे तो ईयर के बाद महीना, और एम डी कर देंगे तो मंथ के बाद महीना, किसी की एज के निकालने के लिए इसका यूज की जाती है। ओके जी ये हमारा हो गया, समझ में आया कोई डाउट इसमें?
अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम लिखने का तरीका सिंपल है, इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा रात को 10 बजे का लिखना है मुझे, इसमें एएम पीएम लगाना जरूरी है। ओके अगर मान लीजिए 8 बजे शाम का लिख रहे हैं तो आपने 8 बज के छोड़ दिया तो 8 बजे का एएम मिलेगा, ए पीएम नहीं जाएगा। इसलिए आप क्या करें, इसमें जब 8 बजे लिखें तो यहाँ पे पीएम एएम लगा दें, अदरवाइज 24 आवर का सिस्टम चले। ओके अब किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर मान लीजिए कि कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे इसमें 1 घंटा ऐड करना है, अगर घंटा डिफरेंस फॉर्म ये मैंने टाइम फॉर्मेट में है तो इसको इजीली आप इसमें ऐड कर लें। जैसे मुझे मान लीजिए 20 मिनट ऐड करना है तो यहाँ पे हमने 20 कर दिया तो ऐड कर दिया, लेकिन 20 मिनट इन द नंबर में है, एक्सेल में क्या होता है 1 = 24 आवर। ओके तो 20 × 24 आवर इक्वल टू 1 डे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से टाइम अलग करना है तो आपको टाइम फॉर्मूला, जैसे डेट फॉर्मूला होता है ऐसे यहाँ पे टाइम फॉर्मूला होता है। टाइम यहाँ पे 0, 20, 0 ठीक है ना सर। अच्छा अभी ये जो 20 था ये इसको सिर्फ ऐसा नंबर काउंट कर रहा था, टाइम में नहीं ले रहा था। ओके तो टाइम फॉर्मूले में कन्वर्ट करके तब हमने ऐड किया। ओके अब टाइम के डिफरेंस थे, अब मान लीजिए सुबह आप ऑफिस गए, सुबह 8 बजे 10 और 8 बजे ऑफिस गए और शाम को 6 बजे आप ऑफिस छूट रहे हैं तो कितना घंटा काम किया, तो बस इसको माइनस कर दीजिए आपको पता चल जाएगा 10 मिनट। लेकिन आज आप दोपहर में ऑफिस गए और रात को 2 बजे आप, रात को 2 बजे या 1 बजे आप ऑफिस से छूटे, या 2 बजे छूटे आप ऑफिस से, समझ गए, तो इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि डे चेंज हो गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, डेट के साथ लिखना पड़ेगा कि 8:10 को दोपहर के 2 बजे आप ऑफिस गए और आप 8:11 को 3 बजे या 4 बजे जो भी है ऑफिस से आप छूटे। अब इसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेटेस्ट डेट टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम। और टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ टाइम में ये 37, 30, 55 को सेलेक्ट करें। अब बात आती है कि मुझे इस 13 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 13 × 60 करने की जरूरत नहीं, इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इन्वर्टेड कॉमा में बड़ी ब्रैकेट के अंदर एम दे दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो 80 मिनट, ये इसको हमने टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट किया, हमने टेक्स्ट में नहीं मिनट में कन्वर्ट किया, नहीं हमने मिनट। ये इसको हमने टेक्स्ट का जो फॉर्मूला लगाया, टेक्स्ट का फॉर्मूला में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड डाल दिया एम, ये क्या करेगा टाइम को मिनट में शो करेगा, मिनट में कन्वर्ट करेगा। ओके इसमें हम एस कर दें, सेकेंड कर दें तो सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। ओके समझ गए जी, क्लियर है जी। इस रिजल्ट इसने टेक्स्ट दिया तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें वैल्यू का फॉर्मूला लगा दें, या प्लस 0 कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें। ओके ठीक है ना, क्लियर है जी। देखिए फॉर्मूला में आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, देखिए आप फॉर्मूला मेनू बार में देखिएगा तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले में कवर करने जाऊंगा तो पता चलेगा कि 1 महीना तो फॉर्मूले में निकल गया जी। मैं वो फॉर्मूला कवर कर रहा हूँ जो डैशबोर्ड में जरूरत होती है, जैसे कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए, मिनट में कैलकुलेट करने के लिए, डेट वगैरह में जरूरत पड़ती है, तो जो फॉर्मूले वही बता रहा हूँ जो कि इसमें जरूरत पड़ सकती है। हालांकि जरूरत तो पूरा फॉर्मूला पड़ता है, लेकिन जो मोस्टली जरूरत पड़ता है वो बताया मैंने। ओके क्योंकि डैशबोर्ड तो हमारा प्रोडक्टिविटी है ना सर, प्रोडक्ट है, मतलब कि हमारा वो काम है, ऑफिस में क्या करेंगे वही तो बनाएंगे जी। तो फिर भी मैं ज़्यादा ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिया देखने के लिए, और फिर भी मैं इसमें मुझे लगा है कुछ फॉर्मूले वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले आपके वीडियो में अवेलेबल नहीं थे। नहीं जी 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 बिल्कुल, इसलिए मैंने कवर किया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लुकअप के फॉर्मूले। तो लुकअप के फॉर्मूले में आपको ऐसे हम नहीं कराएंगे, हम एक एग्जाम्पल दे कराएंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, बस आर्य त्रिज्या के कीड़े खींच रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये भी कुछ नया ही है सर। तो एक एग्जाम्पल बता दें, हालांकि एग्जाम्पल हो सकता है मेरे वीडियो में हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ।
समझने के लिए। जी सर एक चीज़ बताइए, आपने नेम को भी ड्रैग किया तो वो कैसे सारे आ गए हैं अलग अलग? हमने कस्टम लिस्ट में ऐड किया हुआ है सर, अच्छा तो इसलिए मैंने बोला था एक्सेल की नॉलेज है या नहीं जो आपके लिए। नजर। बहुत सारी चीजें एक्सेल में, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सर, हाँ ये मैंने देखा था, ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं रेंट बिटवीन, इसका एक्चुअल भी यूज ये तो हमें, फिर अपने इसको पेस्ट वैल्यू कर देते हैं ताकि वो बार बार चेंज ना हो, बट इसका एक्चुअल में यूज कहाँ पे आता है? इसमें सैंपल डेटा, डमी डेटा के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऑटोमेशन किया किसी के लिए, अब उसने अपना डेटा तो नहीं दिया ना सर, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा पे जाके उसकी उसको टेस्टिंग तो करनी है ना। अच्छा, जस्ट एक सैंपल क्रिएट करने के जी लिए। जी ओके। अब जैसे कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जो होती है, जहाँ पे टेस्ट ड्राइव होता है वहाँ हर तरह के रोड होते हैं ना, गए कभी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वाले फील्ड में? नहीं सर। वहाँ देखिएगा कि ऊबड़ खाबड़ भी होगा, मिट्टी वाली जमीन भी होगी, पीच भी होगा, इसके देश का जो ढलुआ रोड होता है, जो ढला हुआ होता है, सीमेंटेड रोड जो होता है वो भी मिलेगा, पानी वाली रोड भी मिलेगा, कीचड़ वाली रोड भी मिलेगा, पथरीली रोड भी मिलेगा, बालू वाली रोड भी मिलेगा, सब पे गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक करता है। तो उसी तरह से अगर आप रिपोर्ट ऑटोमेशन करते हैं तो आपको भी हर तरह के डेटा, हर तरह के चीज़ों को चेक करने चाहिए, और हाथ से कितना डेटा लिख कर आएंगे। जी। हालांकि इसका यूज मैंने एक जगह पर और किया था, जैसे एक सिक्योर फाइल हमारी थी एक्सेल की, तो हमारे बॉस ने बोला कि इस फाइल को बहुत सिक्योर करना है, तो कैसे क्या करें? करिए? इस फाइल को बहुत सिक्योर करना है, मतलब कि दो एक उसमें क्या था, क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थे, तो बॉस ने बोला कि इस फाइल को कोई अकेला बंदा ना खोल पाए। अच्छा तो हमने क्या किया कि एक फाइल लिया पासवर्ड का, तो हमने लगाया कि जैसे ही फाइल क्लोज कोई करेगा, क्लोज करते ही वो फाइल को सेव एज करके पासवर्ड चेंज कर देगा, और वो पासवर्ड जो है एक दूसरे बंदे के एक फाइल में जाके स्टोर कर देगा। ओके। मतलब कि पहले बंदे को फाइल अगर खोलना है तो दूसरे बंदे से पासवर्ड लेगा, एक के पास पासवर्ड, एक के पास फाइल, मतलब कि दूसरा बंदा पहले मेल पे पासवर्ड का रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको फाइल पासवर्ड का रिक्वेस्ट आएगा, पासवर्ड डालेगा तो फाइल खुलेगी। ओके। तो उस समय हमें बहुत सारे रैंडम पासवर्ड चाहिए थे ओटीपी टाइप के, ओके ओके गॉट इट। तो हमने रैंड बिटवीन फॉर्मूले वीवी प्रोग्रामिंग में यूज किए, और जिससे हमें हर बार हमें नया जो है ये दे देता था, मतलब कि पासवर्ड दे देता था, जिसका कोई सीक्वेंस कोई सीरीज नहीं होता था, तो अंदाजा भी लगा सके। ये जो सर, तो जो नेम भी है ये भी क्या वीबीए के थ्रू ही है, मतलब हर बार आप नहीं ड्रैग नहीं करते ये हैं ये सारे? नेम जो है ये तो हमने कस्टम लिस्ट में ऐड किए, एक्सेल ऑप्शन के अंदर होते हैं यहाँ पे एडवांस में। यहाँ हमने लिस्ट बनाया हुआ है, आप भी न्यू लिस्ट पे जाकर लिस्ट बना सकते ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया, ठीक है। गॉट इट। अब जी, यहाँ हाँ पे जी, हाँ आपके मुकाब, सामने, हाँ जी, हाँ यहाँ पे आपके सामने डेटा है, मुझे क्या जी, करना है कि इसमें नेम टाइप करना है एंड क्वार्टर टाइप करना है, 1 क्वार्टर पूजा का, क्वार्टर 1 का सेल। एक सेकंड, ये पता नहीं क्या होता है, जब इन्वर्टर में आता है अपने आप कीबोर्ड कुछ कुछ टाइप कर देता है। पूजा सर यहाँ पे सेल्स है, मतलब कि ये है आपका, जी क्या करें इसके लिए हम? क्वार्टर 1 के लिए हाँ मतलब 1 क्वार्टर 1 से, जैन हाँ का मार्च का चाहिए, जी, ऑफसेट नहीं लगेगा क्योंकि सम चाहिए, नॉट ए अलग डेटा चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चूज का कॉमा लगाएंगे, जो मैं थोड़ा देर पहले बताया,
इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि हर क्वार्टर का पहला दे दे, जैन अप्रैल जून, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त अक्टूबर, अक्टूबर आ गया जी। फिर यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाया और इसमें से कॉलम नंबर पता कर दिया, दूसरे में कॉलम दे। फिर यहाँ पे वापस मैच का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और इसका रो नंबर पता चलेगा। तो मेरे पास डेटा रो एंड कॉलम में आ गया जी, कि डेटा दूसरे में रो और दूसरे में कॉलम से स्टार्ट कॉलम। ओके, तो एड्रेस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, एड्रेस रो नंबर टू कॉलम नंबर टू। मेरा डेटा स्टार्ट है बी टू से, समझ गए जी। और फिर वापस हमने यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाया और हमने सेलेक्ट किया रो नंबर टू, इस बार कॉलम नंबर टू नहीं, टू प्लस टू कर दिया डी टू। मतलब मेरा डेटा स्टार्ट है बी टू से और है कहाँ तक, डी टू तक, डी टू तक जी। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब हम लोग सम वगैरह लगाते हैं तो इस तरह से देते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं इस तरह से, सेमी कॉलन लगा के, कॉलन लगा के, सॉरी। हो गया, अब मैं इसको सम के अंदर डालूंगा। क्या सम के अंदर डालते रिजल्ट आ जाएगी सर? हमें चाहिए सर, नहीं आएगा, क्योंकि तो आप यहाँ इक्वल टू ए वन, सॉरी यहाँ अगर आप इक्वल टू बी टू करते हो तो बी टू का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ बी टू की वैल्यू शो करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बी टू लिख दिया और बोला कि भाई यहाँ पे बी टू की वैल्यू शो करो, तो बी टू की वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला समझ नहीं पाएगा कि ये बी टू इज, यहाँ रेफरेंस बी टू है, ये समझेगा कि बी टू एज ए टेक्स्ट है और उसी को शो कर देगा जी। तो हमने बी टू का वैल्यू नहीं शो करेगा। हाँ, मुझे इनडायरेक्ट फॉर्मूले के जरिए इसको समझाना होगा कि इसके अंदर डला हुआ है बी टू, एक्चुअल में बी टू नहीं रेफरेंस है, तब जाके यहाँ 74 आएगा। ओके ओके, गॉट इट, समझ गए जी जी जी। तो यहाँ पे जो डला हुआ है इन्वर्टर कमांड से लाया हुआ टेक्स्ट बी टू से डी टू है, तो सम फॉर्मूला इसको नहीं समझ पाएगा कि बी टू से डी टू ये रेफरेंस है, ये समझेगा कि बी टू से डी टू एक टेक्स्ट है और जीरो दे देगा, क्योंकि सम टेक्स्ट को टेक्स्ट सम करता नहीं है जी जी जी। तो मुझे सम के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा और बताना होगा, तो ये बताएगा कि हाँ जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट फॉर्मूला वो हमारा अब उस रेंज को कंसीडर करेगा, रेंज को कंसीडर कर रहा है। अब यहाँ देखिए, हमने इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया लेकिन मुझे रिजल्ट एक सेल में चाहिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हमने कॉपी किया, ये मेरा इजाद किया हुआ है सर, हमने सी टू की जगह पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जैन को डिलीट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ जहाँ पे डी ट्वेल्व है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी डी ट्वेल्व है, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ इस मैच को कॉपी करते हैं, जहाँ पे बी थर्टीन है, जहाँ जहाँ बी थर्टीन है वहाँ बी थर्टीन की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर बी थर्टीन है, बी थर्टीन की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर इस फॉर्मूले इसमें आया, इसकी फॉर्म इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, कॉपी किया और जहाँ पे हमारा सी थर्टीन है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। और फिर वापस डी थर्टीन का फॉर्मूला यहाँ से लेंगे हम, और जहाँ पे डी थर्टीन है वहाँ पे पेस्ट कर, हमने डी थर्टीन को डिलीट कर दिया। और फिर वापस इस पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा ई थर्टीन को। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको कट कीजिए और जहाँ लाना है ला दीजिए। आप सोचिए कि इतना लंबा फॉर्मूला लगा सकते थे आप? नहीं सर, बट आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, छोटे छोटे फॉर्मूले में अलग अलग कर दिया, फिर इसको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये बताता है कि आप जब डैशबोर्ड्स बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, वहाँ पर किसी तरह की टोटल चाहिए। अब वो टोटल आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उस टोटल के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह के फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे। सर एक चीज़ तो ये, इसमें अगर मैं ऑफसेट लगा के बाद में
ये रो इसमें मैं दे देता बी टू सी टू और डी टू को सिलेक्ट कर लेता तो ये तो वैल्यू मेरा तब भी शो करता और सम कर देता मैं उसका, हाँ मैच भी तो सम और लगाना ऑफसेट इसमें एक साथ आपको, फिर अगर मैं। मैच भी तो लगाना पड़ता है। देखिए आप, आपको इसमें अगर आप बी टू सी टू से करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अगर आप ऑफसेट के थ्रू चलना चाहते हैं, चलिए ऑफसेट के थ्रू बताता हूँ आपको। अगर क्योंकि ये सर ऑफसेट से जैसे इतना लंदी फॉर्मूला था। नहीं, वो भी लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, इसे ये हम बताते हैं। उसमें अच्छा पूछ रहा कि आपको जैन फाइव तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके हेडिंग जैन फाइव के जी अकॉर्डिंग है। जी 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 तो जैन, अप्रैल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। जुलाई, ठीक है। जी उसके बाद आपको यहाँ पे मैच लगाना ही पड़ता, मैच फिर वापस यहाँ पूजा के लिए मैच लगाना ही पड़ता। जी ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला देता कि ऑफसेट यहाँ से चलो, जी हमने बोला टू रो मतलब टू माइनस वन रो एंड ये आपका कॉलन माइनस वन, और हमने जी बोला कि दो इसका हाइट जो होगा वन होगा और विड्थ टू होगा, टू होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ही आया, तीन आना चाहिए था, 80 भी आना चाहिए था। हाइट तीन कर देता हूँ, माफ कीजिएगा। तीन करते हैं। हाँ जी और फिर इसको सम के अंदर सम डालता करते तो ये तो ज्यादा इजी है। हूँ। आपको ज्यादा इजी से बनाना है क्योंकि आपने ऑफसेट पहले पढ़ लिया है ना। ये भी सही है। हाँ क्या जी जब मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऑफसेट उस समय नहीं आता है। अगर मैं उनको ये एग्जाम्पल दूँ तो ये समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको एड्रेस और इनडायरेक्ट का भी रोल होता है। हाँ जी हाँ जी ये सर इसको मुझे अब एक बार दोबारा समझाएंगे इस वाले को। हाँ इसको जी सर हमने सिंपल क्या किया ना कि यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, फिर हाँ जी हमने इन दोनों को मिला के जैसे जी ऑफसेट यहाँ एड्रेस बना रहा है ना, जी वही एड्रेस हमने बनाया। जो B2 से D2 जो हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे थे। हाँ तो V2 से D2 जो आ रहा था वो भी ऑफसेट भी बना रहा था, ऐसे एड्रेस भी बना रहा था। तो एड्रेस क्या होता है कि एक बार में एक बनाता है, कोई रेफरेंस नहीं देता है, इसलिए हमें दो बार एड्रेस लगाना पड़ा और फिर उसको मर्ज करना पड़ा। देखिए अब फॉर्मूला में जाइएगा, एवलेट फॉर्मूला कीजिए। जब फॉर्मूला एवलेट करेंगे ना तो ये आपको ऑफसेट क्या रिटर्न कर रहा है, B2 से D2 रिटर्न कर रहा है ना डायरेक्ट, जी। बस यहीं पे एड्रेस मार्क आ जाता है। एड्रेस जो रिटर्न कर रहा है आपको वो यहाँ पे इसको कॉमा कीजिए, इसको कॉमा कीजिए, वो सिर्फ B2 कर रहा है, B2 से ड्यूटी नहीं। वो वापस हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको करते हैं कॉमा, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें प्लस टू कर देते हैं, D2 आ रहा है। ओके फिर इसको दोनों का आपस में कंबाइन करना होता है, बट रिटर्न टेक्स्ट होता है तो फिर इसको वापस इनडायरेक्ट में डालना पड़ता है। बस इससे आपको फायदा हुआ कि आप इनडायरेक्ट फॉर्मूला को भी समझ गए। जी। गॉट इट। इसलिए हमने ऑफसेट का इतना आसान तरीका नहीं समझाया क्योंकि मुझे पता है कि ऑफसेट आपको पता है तो आप आर एन डी करके कर ही लेंगे, लेकिन ये जो जी। एग्जाम्पल है इसमें आप चूज को सीखे, आप एड्रेस फार्मूला को सीखे, आप इनडायरेक्ट फार्मूला को सीखे, आप मैच को सीखे, ठीक है। जी। उसके बाद वी लुकअप वगैरह आता ही है कि बताना पड़ेगा, वीओ का पता सर। समीप वी लुकअप समय फाउंटेफ एच लुकअप ये आते हैं। इंडेक्स मैच ऑफसेट ये सर काफी प्रैक्टिस किया है इन 2 दिनों में। ठीक है। तो आगे का चीज़ हम छोड़ देते हैं, अगला जो टॉपिक आता है एरे का आता है, लेकिन हम एरे अभी नहीं कराएंगे, एरे हम आपको अगली क्लास में कराएंगे क्योंकि आज जो चीज़ें बताई है जी वो फिर मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि एरे जी मैं इसको जी इसको मुझे प्रैक्टिस करूंगा मैं अभी सर। ये वाला जो लास्ट जो एड्रेस आपकी टू ये क्लास सारा 2 घंटे की है, लेकिन क्या ना सर क्लास ही नहीं सिचुएशन भी देखना होगा ना सर कि आप किस सिचुएशन में जी फिलहाल है। जी हाँ मैं काफी पाइल अप ना हो जाए जी वो भी है। हाँ इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कल आप रहेंगे भी नहीं तो प्रैक्टिस होगी नहीं, इसलिए फर्स्ट जी जी टू द जी